नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज में। देश के विकास की रफ्तार में आई गिरावट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दुनिया भर में जारी आर्थिक मंदी को जिम्मेदार ठहराया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च के दौरान जीडीपी ग्रोथ महज 6.1% पर अटक गई। अरुण जेटली ने इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर दुनिया के स्लो डाउन का असर पड़ा है। इसके साथ ही सरकार के 3 साल के कामकाज का ब्यौरा देते हुए जेटली ने कहा, पिछले 3 साल आर्थिक चुनौती भरे रहे, इस दौरान 2 साल मॉनसून भी कमजोर रहा, हमें विरासत में खराब अर्थव्यवस्था मिली जहां भ्रष्टाचार व्याप्त था। हालांकि पिछले 3 वर्षों को देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि हम 3 वर्षों में हमने सख्त निर्णय लिए, भ्रष्टाचार रोकने के प्रयास किए और इनमें नोटबंदी का एक बहुत बड़ा अहम कदम था। हमने विदेशी निवेश बढ़ाने का काम किया और देश की छवि बदलने से इसमें फायदा मिला।